बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन टी एस टेस्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मीज़ान बैंक का जो पेपर हमने शुरू किया था उसका आखिरी पार्ट अपलोड कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4। और आज के पार्ट में इंग्लिश और जनरल नॉलेज के सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 से, क्वेश्चन नंबर 51, देयर इजंट मिल्क इन द फ्रीजर। तो यहां पर ये क्वेश्चन, देयर इजंट एनी आ सकता है, एनी मिल्क, देयर इजंट एनी मिल्क इन द फ्रीजर, यहां पर एनी लफ्ज है नहीं, तो अलॉट भी नहीं आ सकता, मैनी भी नहीं आ सकता। There isn't much milk in the, तो शायद ऑप्शन डी, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने कंफर्म कराना है। क्वेश्चन नंबर 52 देखे, 52, When you came in, I was writing a letter. I was writing, ऑप्शन सी है इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 53 देखे, 53, A late fee will be applied to your account if a payment is not received by March 30th, ऑप्शन डी लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 54 देखे, सिनोनिम ऑफ रिमोट, रिमोट का सिनोनिम डिस्टेंट, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एंटोनिम ऑफ फिल्थी, फिल्थी गंदगी, क्लीन सफाई, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ज़कात रेट जो है 2.5% है, ऑप्शन डी है। 57 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान एक्सपोर्ट, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है ना टेक्सटाइल है दोस्तों, ऑप्शन ए है। और ये क्वेश्चन खुद हल करें, ये के मीज़ान बैंक के ब्रांचेस के बारे में है। 59 नंबर देखे, 59, कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स, ऑप्शन ए। और 60 नंबर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये पेपर कंप्लीट हो गया, इसके बाद दूसरा जो पेपर है उसको भी शुरू करूंगा। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।